हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज सीएम मोहित अग्रवाल हियर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज टुडे व्हिच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया। वेदर यू बीन सीए सीएस सीएमए एनी लेवल, दिस सीरीज विल हेल्प यू। सो यू शुड वॉच ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ दिस सीरीज व्हिच विल बी अपलोडेड एवरी संडे। सो वन वीडियो विल बी अपलोडेड एवरी संडे इन दिस फैशन। नाउ व्हाट इज दिस सीरीज ऑल अबाउट? इट इज ऑल अबाउट एडू लाइफ अचीवर्स, दोज हु हैव अचीव्ड समथिंग इन लाइफ बिकॉज ऑफ एजुकेशन। So, EduLife Achievers will continue every Sunday, and trust me, it is going to be a hell out of a season, and hell of a season, and it will surely boost you and motivate you to take higher aspirations and reach your goals very affirmly. Now, in today's EduLife Achiever series, we have Ritik Khaitan, All India Rank 3. इन्होंने All India Rank 3 लास्ट टर्म में ही हासिल किया था जो एग्जाम्स हुआ था, और बिल्कुल आई एम अ प्राउड टीचर एंड ये मेरे स्टूडेंट रहे हैं, और अभी ये ई एंड वाई अनेस्ट एंड यंग में इनका आर्टिकलशिप चल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग चिट चैट करने वाले हैं ऋतिक से कि आर्टिकलशिप कैसा चल रहा है, रैंक लाने के लिए इन्होंने क्या स्पेशल किया, और आर्टिकलशिप जो ई एंड वाई में क्या चल रहा है तो क्या अलग होता है, ठीक है, और अभी पेंडेमिक में ये कैसे काम कर रहे हैं, और आगे इनका फ्यूचर गोल्स वगैरह क्या है। तो मैंने ये सब जो है चिट चैट किया था ऋतिक से इन एन इंटरव्यू जो मैं अभी आपके सामने जो है वो ला रहा हूं। नाउ वॉच इट। यस, हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज सीएम मोहित अग्रवाल हियर, एंड आज का हमारा जो एडुलाइफ अचीवर सीरीज है उसमें हमारे साथ है ऑल इंडिया रैंक 3 ऋतिक खेतान, जिन्होंने जो लास्ट एग्जाम हुआ था सीए इंटर का उसमें ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल किया था। तो अभी हम लोग इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं कि करंट उनका ट्रेनिंग कैसा चल रहा है, वो अपना इंट्रो देंगे, ठीक है, ट्रेनिंग कैसा चल रहा है, आर्टिकलशिप वगैरह जो है वो कहाँ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में फ्यूचर प्लान्स क्या है, ये सब हम लोग जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। और स्टूडेंट्स जो है वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि जो हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये सफल हो आपके लिए, क्योंकि इसमें हम लोग दोनों को ही जो है कुछ मिलने वाला नहीं है, जस्ट आप लोग का ब्लेसिंग से मिलने वाला है, और आप लोग मोटिवेटेड रहें इसी पर्पस से ये वीडियो बनाया जा रहा है। यस, वेलकम ऋतिक, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन सर, थैंक यू, हाउ आर यू? आई एम आल्सो डूइंग वेरी गुड। तो पहले तो आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन खुद ही दीजिए, अपने बारे में बताइए लोगों को। सो आई एम ऋतिक खेतान, एंड करेंटली आई एम डूइंग आर्टिकलशिप फ्रॉम ईएनवाई, आई एम स्टडीइंग इन गोयनका कॉलेज, एंड आई हैव पास्ड माय CA exam in the November 19 attempt, the attempt which held last, and I got AIR3 in that. Excellent. Excellent. तो ऋतिक ने हमसे जो ट्यूशंस लिया था वो लॉ सब्जेक्ट का लिया था, एंड बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट था, एंड आई ऑलवेज एसोसिएट यू अलोंग विथ योर फ्रेंड, क्योंकि जब भी मैं तुमको देखता हूँ मेरे को तुम्हारा दोस्तों का भी चेहरा याद आ जाता है। तो इन लोग का बहुत ही जबरदस्त जो था वो ग्रुप था, और ऑब्वियस सा बात है मेहनत से ही रैंक आता है, नहीं तो नहीं आता। ऋतिक, आप ये बताओ कि आप अभी आर्टिकलशिप कहाँ पर कर रहे हो और कैसा चल रहा है? सर, करेंटली एज आई सेड, आई एम डूइंग आर्टिकलशिप इन अर्नेस्ट एंड यंग, और आर्टिकलशिप बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब भले आई एम डूइंग वर्क फ्रॉम होम, एंड especially there is no pressure to go to office in this pandemic because some partners and all seniors here, and the work from home hai, phir bhi there is a lot of work and seekhne ko mil raha hai abhi, aisa nahi hai ki we are sitting idle. Yes, yahi hota hai jo bade bade organized offices hote hai na, usme ye sab situation mein bhi they can manage to put together the work. So you are not having any pressure to go to the office, but you surely be having the pressure of work. Of work, yes, definitely. अच्छा एक बात बताओ, जो standards on auditing वगैरह हम लोग class में सीखते हैं, ये सब big four में apply होता है ना? Total big four में apply होता है ये, अभी तक जितना हम सीखे हैं, मतलब अभी तक मतलब सबसे ज्यादा जो हम apply किए especially ऐसे 505 external confirmation. 505 external confirmation. Yeah. वो मतलब ईयर एंड ऑडिट में बहुत वो रहता है। बिल्कुल। तो यू आर एंजॉयिंग योर ट्रेनिंग पीरियड? यस, स्टिल नाउ वेरी वेल।
एब्सोल्युटली. बच्चों को ये बताओ कि जो रैंक आया ऑल इंडिया रैंक 3, कोई छोटा मोटा अचीवमेंट तो है नहीं, सिंगल डिजिट रैंक का टॉप 3 में है, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? मतलब रैंक लाने के लिए ऐसा कोई बहुत हाथी घोड़ा नहीं है, बट यही है कि मैनेज बहुत अच्छा से करना पड़ता है. एक्चुअली मतलब सब सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज देना पड़ता है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये चीज है. बिकॉज मेनी पीपल डू दैट, EISSM या ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट जो लोग छोड़ देते हैं कि लास्ट में करेंगे, एंड लास्ट में भी ऐसा नहीं कि 3-4 महीने, लास्ट 1 मंथ में करेंगे, तो वो तो एकदम पॉसिबल नहीं होता. और ज्यादातर मतलब मैक्सिमम लोग EISSM एंड ऑडिट में ही अटकते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड अदर थिंग इज के मतलब शुरू से पढ़ाई करना पड़ता है, बस हलवा है लास्ट में हो जाएगा, लेकिन लास्ट में होता नहीं. एक्चुअली मतलब ठीक है, आप ऐसा सोच रहे हो कि EISSM अभी नहीं, शुरुआत से नहीं स्टार्ट करेंगे, बट लास्ट का 3 महीना में फिर पढ़ना पड़ेगा. आप एकदम लास्ट का 1 महीने या लास्ट का 15 दिन में, मेरे को नहीं लगता लास्ट का 3 महीना में अगर एक सब्जेक्ट पूरे छोड़ दिया जाए या लास्ट का 1 महीना में छोड़ दिया जाए, तो जो बैकलॉग ऑलरेडी आपका है. हाँ, लास्ट का 1 महीना में पॉसिबल नहीं है. कम से कम हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए. एंड ठीक है, आप शायद हो सकता है EISSM एक ही बार पढ़े हो, लेकिन लास्ट का महीना में एक रिविजन आपका फिर भी पॉसिबल है, मैनेजेबल है. मतलब बहुत रिस्की हो जाएगा, लेकिन मैनेजेबल है. एग्जैक्टली. तो कितना आवर्स दिया करते थे रितिक पढ़ाई को? आवर्स का मतलब एग्जाम टाइम में तो आई गेव 12 आवर्स एटलीस्ट, 10 टू 12 आवर्स. तुमने डेफर किया था क्या एग्जाम्स? नहीं, आई गेव इन द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर विजा. फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत जन डेफर करते हैं, और अब तो इतना मतलब मेरे को तो सोचो क्या लग रहा होगा, तुम्हारे दोस्त भी बहुत सारे होंगे जिन्होंने नवंबर 19 में डेफर कर दिया होगा. एक्चुअली हां, अब उन लोग के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत वाला नवंबर 19 में डेफर कर दिया, मई 20, अब मई 20 से डेफर हो गया नवंबर 20. मेंटल प्रेशर भी बहुत ज्यादा आ जाता है फिर. हां, बहुत ज्यादा, तो डेफरमेंट इज नेवर गुड. अच्छा हां, कमिंग टू योर नंबर ऑफ आवर्स, 12 आवर्स तुम पढ़ा करते थे जो सेल्स एग्जाम टाइम एटलीस्ट, मतलब लास्ट का 1-1.5-2 मंथ में जब ट्यूशंस नहीं थे. बहुत बढ़िया. और ऐसे डे टू डे वर्क मैनेज कर लेते थे? डे टू डे वर्क ऑब्वियसली ट्यूशंस, अगर मतलब कम से कम नहीं भी तो 2-2.5 आवर्स डेली निकालना पड़ेगा. एक्सीलेंट. मतलब कोई बहुत हाथी घोड़ा नहीं है जिन लोग सोचे रैंक लोग 16-16, 20-20 घंटा पढ़ता होगा, शुरू से पढ़ता होगा 16 घंटा, ऐसा नहीं है. सिस्टमेटिकली अगर आप प्लान करते रहते हैं 2-3 घंटा और लास्ट में आप 10-12 घंटा देंगे तो हो जाएगा, राइट? हां, करेक्ट. एक्सीलेंट. और मेरा क्लासेस वगैरह के बारे में कुछ बोलना चाहो बच्चों को तो बोल सकते हो, कैसा लगा था? लॉ आपसे लिए थे, और मतलब आपको जब मिलने आए थे रिजल्ट का तब भी बोले मेरे को तो पता ही है तुम क्या जानते हो मेरे बारे में, क्या सोचते नहीं हो. मतलब लॉ इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है, आई डिडंट थिंक बिफोर इंटर. मतलब ठीक है, अब ज्यादा और मत बोलो, नहीं तो बच्चों को फिर जो है लगेगा कि तुम जो हो वो एक पेड रैंक होल्डर हो, हे भगवान. मतलब मुझे नहीं पता कौन लोग ऐसा करते हैं और फैलाते हैं, बट अब ये मेरा गलती नहीं है ना कि इतना सारा रैंकर्स जो है भगवान ने मुझे दिया है और इन्होंने जो है मेरे से ट्यूशन लिया, मेरा तो गलती है नहीं. और इनको अगर मैं आपसे मिला रहा हूँ तो पॉजिटिव वाइब्स लो, प्लीज टेक पॉजिटिव नोट्स आउट ऑफ. अच्छा, ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा और विस्तार करो, क्लाइंट ऑफिस में जाना हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, एक्चुअली बस 1 मंथ ही क्लाइंट ऑफिस गए थे हम, उसके बाद तो भाई सब लॉकडाउन ही हो गया. उसके बाद सब लॉकडाउन में ही हो गया. वो एक्सपीरियंस बताओ, क्लाइंट का नाम बताओ. क्लाइंट, आई एम करेंटली वर्किंग ऑन इमामी लिमिटेड. इमामी? या इमामी कौन सा पेरेंट कंपनी की उसका जो अलग अलग सब्सिडरीज है, रियल्टी वगैरह डिवीजन? नहीं नहीं, पेरेंट कंपनी. अच्छा, एक्सीलेंट. तो उस वही ऑफिस में 1 मंथ गए थे हम, बाईपास के पास. हाँ हाँ, जानते हैं, टॉपसिया में उनका ऑफिस. अरे वही तो है जो मॉल है ना, मॉल में तो है ना इमामी का जो हेड ऑफिस है. एक्रोपोलिस मॉल है उधर. हाँ, एक्रोपोलिस मॉल के अंदर ही तो है. हाँ, नहीं उससे आगे है ऑफिस उनका. अच्छा, मतलब उसके अंदर भी शायद एक ऑफिस है उनका, बट हेड ऑफिस उनका उससे आगे. अच्छा, रूबी हॉस्पिटल के पास. हाँ हाँ, समझ गए. तो कैसा था एक्सपीरियंस, हाउ वर यू ट्रीटेड? हाँ, क्लाइंट ऑफिस में अच्छा ट्रीट होता था उसमें, कोई वो नहीं, बट ज्यादा वही जान पहचान नहीं हुआ मेरा, बिकॉज 1 महीना या 20 दिन ही शायद गए थे हम ऑफिस. तो ओवर द कॉल ही मोस्टली टॉक हुए सब क्लाइंट्स के साथ अभी तक, तो मतलब बहुत कम लोग को ही फिजिकली मिले हुए वहाँ पे. एक्सीलेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रितिक तुमसे ये है, हाउ डू यू लुक एट द स्कोप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन कमिंग ईयर्स? चार्टर्ड अकाउंटेंसी मतलब दिस इज अ कोर्स व्हिच ओपन्स अ
which opens a lot of scope for the for as a career. मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऑडिट ही कर सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट करने के बाद. आप मतलब इसका जो करिकुलम है इसके साथ कुछ अगर आप जैसे कोई एक पर्टिकुलर फील्ड लाइक फाइनेंस में आपको अच्छा करना है तो उसका कुछ एडिशनल कोर्सेस करके सीए के साथ, क्योंकि मतलब हर चीज का एकदम कंप्लीट डिटेल्स तो नहीं दे सकता आपको एक कोर्स. लेकिन अगर आपको कोई एक लाइक फाइनेंस में करियर बनाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर बनाना है, तो आप इसके साथ बेस लेके एंड कुछ और 6 महीना या 1 साल का कुछ कोर्सेस होते हैं वो करके आप करियर बना सकते हैं. तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी हर चीज का स्कोप खोल देता है आपके लिए. एब्सोल्युटली ये मतलब एकदम तुमने सही बोला. सीए कोर्स के बाद स्काई इज द लिमिट. आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ नहीं भी कर सकते हो, केवल सीए कर लिया तो भी आपका लाइफ जो है वो अच्छा होगा. और सीए के साथ अगर एक और स्पेशलाइजेशन करना है तो वो भी आप कर सकते हो. एंड एक सर्टेनिटी भी रहता है सीए कोर्स में, जो मतलब शायद एमबीए वगैरह में उतना नहीं रहता. बिल्कुल सही बोल रहे हो. एमबीए खाली टॉप मोस्ट अगर तुम आईआईएम्स वगैरह से करोगे तो अलग बात है. नहीं तो एमबीए तो हर जगह जो है ऐसा भी है कि छोटा मोटा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी हो तो उसको कोई वैल्यू नहीं रहता. खाली वो बायोडाटा में लिखने के और शादी कराने के काम आता है बस, और कुछ नहीं. लेकिन सीए कोर्स जो है वो पूरा ये सब जो है सर्टेनिटी प्रोवाइड कर देता है. बिल्कुल सही बोले. ये सब जो प्रोफेशनल कोर्सेज है. और बताओ कि बच्चों को अगर रैंक लाना हो तो उनको क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना चाहिए? स्ट्रेटजी वही, मतलब अभी के सिचुएशन में आपके पास बेनिफिट ज्यादा है, रैंक लाने का चांसेस ज्यादा है. मतलब आप पढ़ाई करना चाहते हो तो अगर आप मतलब सोच के ही बैठ जाओगे कि ऐसा हालत में कैसे पढ़ाई करेंगे देन तो कुछ ही पॉसिबल नहीं है. यू विल ऑलवेज बी डीमोटिवेटेड. लेकिन बट क्योंकि आपको ट्रैवलिंग का टाइम बहुत बच रहा है, आपको मतलब हैरेसमेंट नहीं हो रहा ट्रैवलिंग करने से. कलकत्ता में ट्रैवलिंग करना मतलब motivated. You'll have to lift up yourself because ultimately आप ही को फायदा होना है पढ़ाई करके. Yes, you just need a determination के करना है. तो जब तक inner motivation नहीं आएगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता. ये वीडियो देखोगे आज अच्छा लगेगा, कल अच्छा लगेगा, फिर परसों वही घोड़ा वही मैदान हो जाएगा, फिर बोलोगे demotivated है. तो inner motivation को जगाओ, find the reason of doing the course. अच्छा रितिक, और मेरे को ये बताओ कि लॉकडाउन में तुमने क्या स्पेशल किया अपार्ट फ्रॉम दिस ऑफिस? अपार्ट फ्रॉम ऑफिस अभी फाइनल के ट्यूशन सा जल्दी स्टार्ट कर दिए, मतलब एक्सेलेंट, क्योंकि कुछ और करने को नहीं है तो. एक्सेलेंट. एंड बिंज वॉच बहुत ज्यादा करने लगे आजकल जितना पहले करते थे उससे. बिल्कुल. और तो और कुछ नहीं. ठीक है, अब लास्ट में मेरे को बताओ कि क्या मैसेज देना चाहते हो स्टूडेंट्स को, आराम से बताओ, उसके बाद हम लोग ये इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं. सो योर फाइनल मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग यू. जी बस पढ़ाई करते रहो, और अभी तो मतलब टाइम भी बहुत है तो जरूरी नहीं है कि खाली यू हैव टू डू स्टडी स्टडी स्टडी. जिसमें आपको इफ यू थिंक एनीथिंग एल्स इंटरेस्टिंग यू कैन डू दैट आल्सो. एंड मतलब डीमोटिवेट नहीं होना है, पढ़ाई के लिए मोटिवेशन रखना है. बिल्कुल डीमोटिवेटेड नहीं रहना और पढ़ाई के लिए मोटिवेशन रखना है. और अब तो सब बच्चे जो है वो ऑब्वियस बात है पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव और मोबाइल ऐप में क्लासेस देख रहे हैं, और तो उनके पास ज्यादा टाइम है. और मेरे को याद है कि तुमने भी जो है मिक्स करके किया था, ब्लेंड, थोड़ा सा लाइव लिया था, लॉ लाइव लिया था, ऑडिट पेन ड्राइव लिया था, ऐसा किया था. टाइम को स्मार्टली मैनेज किया था. यस. और अब तो इन लोग के पास बाय डिफॉल्ट सारा ही जो है वो पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव का ऑप्शन है. तो जब चॉइस नहीं रहता है ना, अब तो लाइफ का चॉइस ही नहीं, तो डिसीजन और आरामदायक हो जाता है. तो माय रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स कि प्लीज गो ऑल गन्स ब्लेजिंग, अच्छे से पढ़ाई करो. एंड थैंक यू रितिक फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स. थैंक यू सर. थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव. बाय बाय बाय.